बढ़िया। YouTube वालों, सोशल नेटवर्किंग वालों, सबके सब आपके लिए बहुत ही अमेजिंग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑफ इंडिया में। मेरा नाम है प्रवीण। सबकी तरह एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अमेजिंग वीडियो के लिए। आज का ये हो जो वीडियो ये होम का ही है, होम शेफ प्रवीण। तो मैं आपको घर में ही एक डिश बना के दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स हमारे मॉम डैड अवेलेबल नहीं होते हैं और उस टाइम पे हमारे फैमिली मेम्बर्स कहीं चले जाते हैं, और हमारे जैसे भाई बहन हैं या अगर खुद भी घर पे अकेले रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम बहुत आलस करते हैं। सबसे ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों के लिए जो वेले हैं, वेले लड़कों के लिए या वेले लड़कियों के लिए जो आलस करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी, अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं, आपके पास कुछ मनपसंद खाना खाने बनाने का टाइम नहीं है, आप चाहते हैं जल्दी से कुछ बढ़िया सी चीज़ बन जाए, या अगर आप ऑफिस जाते हैं सुबह जल्दी लेट हो गए हैं, तो जल्दी से फास्टेस्ट फास्टेस्ट चीज़ कैसे बनानी है, उस चीज़ के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो मेरे जो वीडियो का मेन ये मोटो है, ये है सैंडविच के लिए। बेसिकली सैंडविच तो बहुत तरह के हैं, बहुत तरह की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट जैसे कि मैंने बताया वेले लोगों के लिए है। तो जल्दीबाजी जल्दी से आप अपना इस पे कैसे अपना सैंडविच तैयार करें, ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके के सैंडविचेस बना के दिखाऊंगा। एक आपका है कॉर्न सैंडविच, मतलब कि मक्के के दानों का सैंडविच, जो मक्के के दाने होते हैं जो ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर लगाए जाते हैं, उससे आपका बनाया जाता है। दूसरा आपका ये मिक्स, मतलब कि जो प्याज अनियन और खीरा होता है, कुकुम्बर होता है, उसको मतलब जो छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के वेजिटेबल्स में बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक कटा हुआ उसको मिक्स करके आपको बनाया जाएगा। और तीसरा मैं आपको प्रॉपरली आपके स्लाइसिस के साथ आपको दिखाऊंगा। तो आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पे सामान मैंने रखा हुआ है जो पहले से ही रेडी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे मक्के के दाने हैं, और आप ये देखिए यहाँ पे खीरे को चॉप किया हुआ है मैंने, ये अनियन है और ये आपका टमाटो है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरी प्लेट में मैंने टमाटर के स्लाइसेस रखे हुए गोल करके, और प्याज के स्लाइसेस भी हैं, दूसरे यहाँ पे खीरे के स्लाइसेस हैं, ठीक है। तो और इसको बनाने के लिए आप अपने तरीके से नई नई वेराइटी को ऐड कर सकते हैं, अपना कुछ ऐड करना चाहें, मतलब कि जैसे ऑरिगेनो होता है, राइट, चिली फ्लेक्स होता है, आप उसको भी इसमें सीजनिंग के लिए कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं कैसे सैंडविच बनाएं। सबसे पहले मैं आपको कॉर्न सैंडविच बना के दिखाऊंगा। तो चलिए कॉर्न सैंडविच बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे दो ब्रेड, हमारे पास दो पीसेस ऑफ स्लाइसेस ब्रेड है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो इन ब्रेड के ऊपर, अगर आपको बटर पसंद है या बटर पसंद नहीं है तो ये आपकी चॉइस है। आप बटर पसंद है तो आप इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं। मैं बहुत रेयर बटर खाता हूँ, बट फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा। आप चाहे तो सबसे पहले इसकी जो फिलिंग है, इसके ऊपर जो फिलिंग करते हैं, आप पहले इस पर अपना बटर से फिल कर सकते हैं। बट चलिए पहले मैं इसमें आपको ये मिक्स करने, इसको यूज़ करने से पहले, पहले हम जो आपको मैंने कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए बताया है, इसके लिए हम अपना मेयोनीज जो है, ये डॉक्टर ओटकर की सबसे फन फूड की सबसे अमेजिंग मेयोनीज है, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। एक्चुअली दो तरीके की आती है, एक छोटे बॉक्सेस में भी आती है, एक 1 kg में भी आती है। अगर आप डेली यूज करना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही डॉक्टर ओटकर का फन फूड लें, बहुत ही अमेजिंग मेयोनीज होती है इसकी। दूसरा है आपका, इसके छोटे छोटे बॉक्सेस भी आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्ड के आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं, ब्रेड की स्लाइस के ऊपर। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं जितना चाहें, आप अपने मेयोनीज उसके ऊपर लगाइए, और ये चाकू से आप इसको पूरा का पूरा सही तरीके से पहले फैलाइए। देखिए, देख रहे हैं कितना तो बढ़िया है। ध्यान देने वाली ये वीडियो उन लोगों के लिए है लड़कों, जो मेरा एक फ्रेंड भी है एक्चुअली, तो वो फ्रेंड बहुत आलस करता है, उसने मेरे को काफ़ी टाइम बोला कि यार तू सैंडविच कैसे बनाता है, इतना अमेजिंग सैंडविच बनाता है, हमें खिलाता है, बट मेरे को भी पता, मैं वो एक्चुअली PG पे रहता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, तो उसको भी कभी कभी कुछ यूनिक खाने का मन होता है, तो मेरे से पूछता रहता है भाई तुम कैसे बनाते हो। तो मैंने सोचा, मैंने चलो चल ठीक है, मैं तो आपके पास डेली डेली नहीं आ सकता, बट आप भूल भी जाते हो, तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड भी ये वीडियो देखेगा तो उसको भी बताना चाहूँगा कि अब तेरे को मेरे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो घर पर रह के भी ऐसे कर सकता है, राइट। बट बेसिकली देखिए, मैं इस पर पहले पूरा का पूरा स्लाइस करूँगा, इस पर लगाऊंगा मेयोनीज सही तरीके से फैला के। ये देखिए, ये मैंने मेयोनीज लगा दिया। अब इसके ऊपर हम कॉर्न की फिलिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने कॉर्न यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसमें दो तरीके होते हैं, आप चाहें तो एक छोटी सी कटोरी में कॉर्न को रख के और ऊपर से मेयोनीज के साथ मिक्स कर सकते हैं,
सकते हैं और तब जाके इसके ऊपर फिलिंग कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कॉर्न के दानों को, जिनको मेयोनीज कम खाने की आदत होती है, वो कम को भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, राइट। तो मैं तो डायरेक्ट डालूंगा क्योंकि मैं मेयोनीज खाता हूँ ज़्यादा, बट अभी आपके लिए मैं इसमें मिक्स बनाऊंगा, तो मिक्स जब मैं मिक्स सैंडविच बनाऊंगा तो उसके लिए मैं ये कटोरी यूज़ करूँगा। फिलहाल मैं आपको कॉर्न के दाने इसके ऊपर, देखिए ये मैं हम इसके ऊपर लगाते हैं सही तरीके से, ये गर्म है थोड़े, इसको आपको, ये बॉइल्ड कॉइन है गाइस, कच्चे कॉइन मत रख दीजिएगा, ये बॉइल्ड कॉइन है, तो इनको अगर आप चाहें तो, जैसे बाहर से आते हैं बॉइल्ड कॉइन और बहुत सी दुकान बेकरीज पे आपको मिल जाएगा ये, और अगर आप जाते हैं मार्केट में कभी कभी वेजिटेबल्स की दुकान पे भी ये अवेलेबल हो जाता है, तो आप इसको लेके आ सकते हैं डायरेक्टली, बहुत ही सस्ता होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप ला सकते हैं और घर पे फ्रिज में रख के इसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, एक बारी के बाद दोबारे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं सही तरीके से उसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगा, देखिए ये देखिए सही तरीके से मैंने इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया है, कोटिंग जो है पूरी की पूरी कोटिंग मैंने मक्के से कर दी है इसकी। अब एक चीज और है इसमें एक चीज और लगाऊंगा मैं, मेयोनीज और डालूंगा, मेयोनीज मैं इस पर थोड़ा सा फैला के और डालूंगा, जिनको मेयोनीज ज्यादा खाने की आदत है वो खा सकते हैं। ये मैंने इस पर मेयोनीज लगा दी, थोड़ा सा इसको फैलाएंगे ताकि जो कोटिंग है इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम करेंगे सीजनिंग। सीजनिंग के लिए आप इसमें आप देखा होगा आपने डोमिनोज का पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, और जब घर पे आप अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ सीजनिंग भी बहुत सारी वो देते हैं, तो अगर आपकी सीजनिंग घर पे अवेलेबल होती है या मार्केट में भी आप बेकरी की दुकान से जाके सीजनिंग ले सकते हैं, तो मैं इसमें सीजनिंग डालूंगा। मैं एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं चिली फ्लेक्स ज़्यादा खाता नहीं हूँ, चिली मैं अवॉइड ही करता हूँ, आप चाहें तो अगर आपको पसंद है चिली फ्लेक्स तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, बट मैं इसमें ऑरिगेनो डालूंगा, तो इसमें ऑरिगेनो की ये सीजनिंग इसमें करते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑरिगेनो की सीजनिंग इसके ऊपर हो गई है। अब हम इसको कवर करेंगे, दूसरी जो हमारी स्लाइसेस है उससे हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, अब मेन जो चीज़ है, दो बातें ध्यान रखने के लिए, अगर आपको सैंडविच डायरेक्ट लेना है तो डायरेक्ट आप इसे खा सकते हैं, साइड की जो कॉर्नर्स होते हैं इनके, इनको आप नहीं काटना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आपको पसंद है तो आप इसे खा सकते हैं। अदरवाइज दूसरी चीज़ है, आप इनके साइड के जो स्लाइसेस होते हैं इनको आप हटा भी सकते हैं ऐसे करके, अगर आपको परफेक्ट टेस्ट चाहिए कि हाँ मैं इसका परफेक्ट टेस्ट लूँगा, तो आप इनके जो साइड है इनको आप हटा सकते हैं ऐसे, देखिए देखिए जैसे मैं हटा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया होता है। और इसमें एक चीज़ और जो मैंने दो बातें बताई उसमें से पहली बात तो बता दी कि आप ये साइड हटा सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कि आप इसकी जो कोटिंग है इसको अगर आप डायरेक्ट अपने फॉइल पेपर में ऑफिस वगैरह में ले जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं, या अगर आप इसे थोड़ा सा बटर में ऊपर से बटर के साथ इसे फ्राई पैन में, या आपके पास बटर मशीन होती है जो आपका टोस्ट बनाने के लिए होती है उसके ऊपर रख के करना चाहें, तो बटर से आप इसको थोड़ा गर्म करके सेक भी सकते हैं ताकि थोड़ा क्रिस्पन जो है वो आपको आए। ये आप तीनों सैंडविचेस में करेंगे, आप चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट खाना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे खा सकते हैं। देखा, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा आप चाहें वैसा आप इसमें सैंडविच बना सकते हैं। दूसरे सैंडविच की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आपका मिक्स सैंडविच। मिक्स सैंडविच जो है, मैंने जैसे बताया कि खीरा है, प्याज, अनियन, इन सबको मिक्स करके हम बनाएंगे, तो चलिए पहले उसे कटोरी में हम उसको मिक्स करते हैं। एक कटोरी हम लेंगे, हमारे पास स्पून है, स्पून से हम इसमें डालेंगे पहले ये टमाटो, ये टमाटो हमने डाल दिए, अब थोड़ा अनियन इसमें डालेंगे, एक पत्ता गोभी होती है, आप पत्ता गोभी भी इसके अंदर इसको चॉप करके डाल सकते हैं, पत्ता गोभी से भी फ्लेवर अच्छा आता है। ये मैंने खीरा इसमें देखिए पूरा डाल दिया। एक्चुअली सैंडविच बनाते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, जो क्रिस्प होता है, जो क्रिस्प आपको ध्यान रखना है, वो क्रिस्प बहुत ज़रूरी है, तो वो खीरे को जब आप डालेंगे प्याज अनियन, तो जो बटर सैंडविचेस को खाते वक्त फ्लेवर आता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो अब ये हम जो मैंने मेयोनीज बताई थी ये हम इस कटोरी में ऐसे डाल देंगे, ये देखिए
जी हमने डाल दी है, मेरी थोड़ी मेयोनीज खत्म हो रही है। मैं तो क्योंकि एक्चुअली गाइस क्या है, मैं तो बनाता रहता हूँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं तो और भी मैंने ऑलरेडी एक पैकेट ला के रखा हुआ है, बट इससे पहले पूरा फिनिश कर लेते हैं उसके बाद ही यूज़ करेंगे। अब आप देखिए हमने जैसे इसमें अपना मेयोनीज भी ऐड कर दिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, इसको कोटिंग को थोड़ा मिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा मिक्स। अब हम दोबारा से दो ब्रेड स्लाइसेस के लेंगे, ठीक है, वही दूसरा रूल हम पूरा पुराना वाला रूल अपनाएंगे इसमें कि सबसे पहले हम इस पर बटर या मेयोनीज से आप इसकी कोटिंग करेंगे। ये मैंने मेयोनीज डाल दी इसमें, अब इसको हम कोट करेंगे। थोड़ा सा गिर गया। जब तक मैं इसको कोट कर रहा हूँ तब तक आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक मैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को अगर प्रेस नहीं करें तो उसको भी प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दूसरी स्लाइसेस में इसको कोट कर लेते हैं। जल्दीबाजी गाइस, जल्दी अगर जल्दी से जल्दी आपको सैंडविच रेडी चाहिए, जल्दी से जल्दी, देखिए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कितनी जल्दी मैंने आपके सामने बिना किसी कट के ये तीनों सैंडविच आपको रेडी करके दिखाऊंगा। ये हमने इसके ऊपर कर दिया है, अब हम इसमें कोटिंग करेंगे दोबारा से। देखिए ये आप इसमें डालिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसे हमने तीनों के तीनों मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा फैला दिया ऐसे। घर में एक बच्चों के लिए क्या होता है, कभी वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, वो सैंडविचेस के लिए जिद करते हैं। मेरी दीदी का एक लड़का है जिसका नाम है अर्पित, वो भी बहुत ज़्यादा सैंडविचेस के लिए बोलता रहता है, बट वो टमाटोज को अवॉइड करता है, इसलिए दीदी क्या करती है वो छोटे छोटे स्लाइसेस में ही इसको कर देती है काट के, ताकि उसे टमाटर का पता ना चले। बट उसके लिए जल्दी से जल्दी रेडी होने वाली डिश है ये। तो ये इसके ऊपर हमने फिर से, ओह एक चीज़ भूली हूँ मैं, जैसे मैंने बताया था मेयोनीज से अगर आप कोट करना चाहें तो मेयोनीज से आप इसे थोड़ा सा और क्रीमी बना सकते हैं। मेरा साइड से ब्रेड का स्लाइस टूट रहा है, ये फ्रिज में रखने की वजह से हो गया है, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर ये ब्रेड की स्लाइस हमने दोबारा रख दी, और वही जो रूल मैंने आपको बताया सेम रूल हम इसमें अपनाएंगे, आप साइड से स्लाइसेस को इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से मैंने काट दी, ये देखिए, ये इसको भी आप अपना बटर के साथ चाहें या डायरेक्ट चाहें तो खा सकते हैं, या अगर इसको थोड़ा सा सेकना है आपको तो आप इसे तवे पे या आपके पास नॉन स्टिक पैन होता है उस पर भी आप रख के इसे फ्राई करके थोड़ी देर बाद इसे अपना मॉर्निंग टी के साथ या लंच में, या जैसे आप अगर ऑफिस में पहुँचते हैं, ऑफिस पहुँचते ही आपको थोड़ी भूख लगने लग जाती है, या ऑफिस से निकलते वक्त शाम के लिए अगर आप इसे रखना चाहें तो इसे तब भी बना के रख सकते हैं, और फॉइल पेपर पर रखिए, शाम तक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सैंडविच की तरफ। तीसरे सैंडविच बड़ा डायरेक्ट बनाना है हमें। तीसरे सैंडविच के लिए क्या करना है, हमारा ये दो ब्रेड स्लाइसेस हैं जैसे ही मैंने बताया आपको, कुछ नहीं करना, सीधा कोटिंग करनी है आपको। हम इसके ऊपर पहले कोटिंग करेंगे, ये देखिए ये इसमें डाल दिया, ये मैंने इसमें भी डाल दिया। तीसरा सैंडविच गाइस ये जल्दी जल्दी के लिए, अगर आप जल्दी जल्दी चाहते हैं सीधा ब्रेड लिया आराम डायरेक्ट मेयोनीज लगाया, मेयोनीज लगाते ही डायरेक्ट क्या करना है आपने इसके ऊपर सीधा का सीधा जो आपने स्लाइसेस में अनियन टमाटोज और खीरा जो काटे हैं वो इसके ऊपर डायरेक्ट लेयर से लेयर के साथ साथ आपको लगा देंगे। देखिए ये रेडी किया, कुछ नहीं करना है, सीधा अपना खीरा लीजिए और इसके ऊपर ऐसे कोट कर दीजिए, आप एक एक करके लेयर बना सकते हैं। ये देखिए ये बनाया, ये जल्दीबाजी जल्दी जल्दी के लिए बिल्कुल जल्दी, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी देता हूँ टेस्ट आपको बहुत बढ़िया आएगा इसमें, बशर्ते आप इसमें ओरिगेनो डालें, अपना बढ़िया से फ्लेवर्ड कर दें। अब इसके ऊपर जैसे मैंने बताया एक और कोटिंग करनी है, ये मैंने कर दिया जैसे मैंने बताया, ओरिगेनो हमें डालना है, ओरिगेनो से ऐसे सीजनिंग कर दी,
ठीक है। अब ये इसके ऊपर हमने इसको कोट कर दिया, कोट करके वही सिंपल, अगर आप डायरेक्ट खाना चाहें तो डायरेक्ट खा सकते हैं, या अगर आप इसको सेक के खाना चाहें तो उससे भी खा सकते हैं आप। तो दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, सबके लिए जिनको सैंडविच बनाने में दिक्कत आती है, सोचते हैं बहुत मेहनत का काम है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है। आप इसको बीच से भी स्लाइस करिए, कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। ये देखिए, थोड़ा सा और काटते हैं इसे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सैंडविच है। आप जो सैंडविचेस ब्रांड होती हैं आप उनको भी ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। बट फ्लेवर्ड आपको घर से बढ़िया, बाहर की दुकानों से बढ़िया फ्लेवर चाहिए तो आप अपना घर पे बना के खा सकते हैं। लंच टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अमेजिंग होने वाला है, या ब्रेकफास्ट में आप चाहें तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और सबसे ज़्यादा मेन ये है कि बोर अगर आप होते हैं, तो अगर आप घर पे आपको कोई अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अवेलेबल मेन है, क्योंकि उसी से क्या होगा कि आप घर पे बोर हो रहे हैं, तुरंत आपने वीडियो देखा कि कैसे बनाते हैं, आपको याद हो गया, याद कर दिया, आप कभी भी बना सकते हैं। मॉम डैड अवेलेबल नहीं है, या आपके चिल्ड्रंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, घर आती सैंडविचेस की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो आप उसे तुरंत प्रोवाइड करा सकते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, ऑरिगेनो डालना चाहे ऑरिगेनो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डालना चाहे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सैंडविचेस बनाइए, किसी भी तरह का कुछ भी, बढ़िया से बढ़िया जो आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट है सैंडविचेस के लिए, आप उसे यूज़ कीजिए। तो चलिए, मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो तीनों सैंडविचेस खाऊंगा, और मैं तब तक के लिए बाय टाटा। और अगर आपने मैं जैसे बताया कि वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आता तो शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्तों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।